इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी का अपने ही ब्रांच की लॉकर से कीमती सामान चोरी हो जाता है, जिसको लेकर वह तत्पर रहता है। इस मामले में FIR दर्ज कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली मेरी बेटी बॉम्बे से आई हुई है, तो उसने कुछ ज्वेलरी की आवश्यकता थी, बोले पापा लॉकर ऑपरेट करना है। तो आज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पलहड़ा की ब्रांच में 3:25 पर आया और अकाउंटेंट मैडम ने एंट्री करवा कर और हमको अंदर लॉकर रूम में ले गई। वहाँ पर उन्होंने मेरी चाबी भी ले ली और अपनी चाबी दोनों लगा के और लॉकर को खोल दिया। वहाँ पर ऐसा आभास हुआ था कि जैसे लॉकर पहले से ही खुला हुआ था, क्योंकि मेरी वाली चाबी मेरी बेटी ने देखा, उन्होंने घुमाई नहीं थी। फिर वो चली गई अपनी चाबी निकाल के, मास्टर की जो होती है बैंक वालों की। इसके बाद हमने लॉकर का दरवाज़ा हटाया और वहाँ पर देखा तो पूरा लॉकर खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। और इसमें मेरी बेटी का ज्वेलरी थी, पत्नी की थी, मेरे बेटे का जो अमेरिका में उसका एक रिंग था $6,000 की थी, वो डायमंड रिंग थी, महंगी रिंग थी, लगभग 5 लाख की। और मेरी भी एक अंगूठी थी, एक छोटी सी मेरा वो था चेन, और एक मेरा 250 ग्राम का चांदी का एक मॉन्यूमेंट की तरह से था, जो स्टेट बैंक ने 25 साल की नौकरी पूरी करने पर मुझको दिया था। इसके अतिरिक्त चांदी के सिक्के थे, एक के पैकेट थे, कुछ दो हो, तीन हो, पाँच के नोट के पैकेट थे, एक दो जो भी होंगे, और ऐसे ही छोटा मोटा आइटम। और मैं समझता हूँ कुल मिलाकर के 15-20 लाख के बीच का ये टोटल आइटम होना चाहिए, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा नुकसान है। और हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या एक्शन लिया है और बैंक के जो भी अधिकारी हैं उनका क्या एटीट्यूड है? बैंक के अधिकारियों का एटीट्यूड तो बड़ा एक तरह से अनकोऑपरेटिव कहेंगे शुरू में, तो फिर जब वहाँ पर मीडिया पहुँच गया, थोड़ा सा पुलिस वाले आ गए, तो उनका एटीट्यूड थोड़ा ठीक हुआ। अदरवाइज तो बिल्कुल बोले आप लेके होंगे निकाल के, और आपके तो मतलब चाबी आप ही से तल खुलेगा, ये तो लगा हुआ लॉकर था, दूसरा कैसे खोल सकता है। इस तरह से उन्होंने कोई सहानुभूति या कोई उसमें इंक्वायरी करने के बजाय उन्होंने हमको ही हरेस करने का प्रयास किया। कल दिनांक 21/5/2024 को थाना क्षेत्र पल्लपुरम स्थित फेज 1 निवासी सलीमुद्दीन खान द्वारा एक शिकायत की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा पल्लपुरम स्थित एक बैंक में एक लॉकर खुलवाया गया था, और जब वह कल उस लॉकर को खोलने गए तो उसमें जो उनका सामान रखा था वह गायब पाया गया। इस संबंध में सलीमुद्दीन खान तथा बैंक के अधिकारी कर्मचारी दोनों से ही पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।